मगर ये जो बदनीयती है लॉ बनाने की मुझे यहाँ से आप इनकी बेमानी देखें मारा है, नौ में, थी, ये मार है, तो आप ट्रिब्यूनल बैन की तरफ जा रही है तो उसकी अब माफी नहीं है उसकी अब सलाह नहीं इसकी अब माफी तलाफी नहीं होगी मैं आपको कह रहा हूँ बाकी अला करने वाली और इन कठपुतलियों को पता है कि ये जीत के नहीं आए हुए ये फॉर्म फोर्टी सेवन की पैदावार है नाजन नून लीग को जब नजर आने लगा कि इनकी धान्धली बेनकाब हो जाएगी यानी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जब इलेक्शन की धानधली ज़्यादा सीटें जाएंगी तो वहाँ पी टी आई जीत जाएगी अपनी चोरीओं को छुपाने के लिए नून लीग रिटायर्ड जजेस लगाने का आर्डीनेंस पास किया जिसे लाहौर कोर्ट ने मस्त कर दिया और अब नू लीग बहुत बड़ी तरह फंसने जा रही है आए पहले ये सारी कहानी शुब से इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि असल मामला क्या है फिर इस पर हम तफसी से बात करते हैं इससे शायद करीम साहब ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ऊपर आज एक फैसला जारी किया है और उन्होंने पाबंद किया है कि ये जो लाहौर हाईकोर्ट का फैसला है इसकी रोशनी में आपको ट्रिब्यूनल उनको जाना पड़े अब हुकूमत ने एक कारनामा सर अजाम दिया उन्होंने एक नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि रिटायर्ड जज भी लगाए जा सकते हैं लाहौर हाईकोर्ट कह रही है वो लगेगा जो हाईकोर्ट भेजेगी तो इसका मतलब है कि वो ऑर्डिनेंस वगैरह का सब तो खत्म हो गया जी फिर ऑर्डिनेंस का इफेक्टिवनेस अभी तो खत्म होगी प्रैक्टिकली देखें जो भी सिटिंग जज को जब लगाना होता है जो लॉ है एज इट इज़ जो एग्जिस्टेंस है इन्होंने क्या किया जजेज के नाम भेजें उन्होंने कहा नहीं जी आप मेरे पास बीस नाम भेजो इलेक्शन कमीशन हम सिलेक्ट करेंगे कि किस को जज का जज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मकसद क्या है यानी नो वन कैन बी जज ऑफ इज ओन एक प्रिंसिपल है

अमीर भट्टी साहब जो पुराने चीफ जस्टिस थे उन्हें सिर्फ दो ट्रिब्यूनल बना दिए नए आए तो उन्होंने छह जज और नॉमिनेट कर दिया उन्होंने कहा जी कम से कम आठ जज तो हूँ जो ट्रिब्यूनल्स को केस सुने क्योंकि वो दो जज अगर बैठ के सारा दिन यही काम करें कोई और काम ना करें तो भी पांच से दस साल केसों का फैसला नहीं हो सकता कानून ये कहता है कि छह महीने में फैसला होना चाहिए चार महीने तो ऑलरेडी हो चुके हैं अब बात ये थी कि इन्होंने इनकी बदनीती ये थी कि जनाब उन्हीं दो जज से चलता रहे उन्होंने आगे छह जज और नाम दे दिए उन्होंने उसको रोक लिया अब उसके ऊपर पटिशन हुई सलमान अकूल राजा की और वो पटिशन आज एक्सेप्ट होगी और उम्मीद है कि वो लग जाएंगे हो सकता है उसको चैलेंज भी करें मगर ये जो बदनीयती है लॉ बनाने की मुझे यहां से आप इनकी बेईमानी देखें ये पहले रिटायर्ड जस्टिस जजेस लगा सकते थे लेकिन जब लॉ अमेंड हुआ उसके अंदर रखा गया सिटिंग जजेस लगाएंगे और कंसर्ट करेंगे चीफ जस्टिस से और चीफ जस्टिस जो है नाम देगा चीफ जस्टिस ने नाम दे दिए आपने उनको लगाना था सिटिंग जजेस हो सकते थे सब कुछ सारे पूरे सुबह में ठीक हो गया इस्लामाबाद में ठीक हो गया आपको से पंजाब से क्या तकलीफ थी इसका मतलब है कि अगर आप सच्चे हैं लेट लॉ इज टू टेक इट्स ओन कोर्स अदलिया को, को फैसला करने दें हमें तो ये सारे यही कहते थे ना आपके सामने ही है जहां जी ट्रिब्यूनल जाएं हम जब जुडिशल कमीशन की बात करते थे जैन जी ट्रिब्यूनल जाएं अब जब ट्रिब्यूनल की बारी आई है तो आप ट्रिब्यूनल नहीं बना रहे आज चार महीने आपने गुजार गुजारे सर वाटरसप ट्रिब्यूनल वाला टेस्ट केस जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है सियासत में कुछ और ही इसके असरा होंगे अगर पाँच जून वाला फैसला जिसमें तारिक फजल चौधरी साहब है और शोयब शहीन साहब है शायद वो पहला एक वाजे किस्म की वो डेड लाइन हमारे करीब आ रही है जिसमें अदालत ने उस दिन ये बताना है कि अगर तारिक फ़जल चौधरी साहब का जवाब अदालत के लिए तसलीब्श नहीं या उस दिन उनका जवाब नहीं आता तो फिर यह केस क्या रुख अख्तार करेगा इस्लाबाद की तीनों सीटों के ऊपर इशू है तीनों सीटों के ऊपर और एन ए फोटी सेवन में शुेब साहब खुद उम्मीदवार थे आप क्या देखते हैं इसके अंदर आउटकम क्या हो सकती है नदी मलिक साहब आपके ही शो पे जब ये इलेक्शन जिस दिन हुए हैं उसके चौथे दिन हमने शो किया था आपके आर्काइव्स में है वो मैंने कहा था दो चार सीटों का फैसला ज़रूर हो जाएगा ये तो बड़ी आ, अच्छी चीज़ है अगर आप किसी फैसले की तरफ जा रहे हैं लेकिन अभी आप लोगों ने जिक्र किया कि जी जज साहब कोई हैं उन्होंने कहा है कि मैं कुरान उठाऊंगा हाँ ये चार पांच दिन तो नजर आ रहे हैं चार पांच सीटें सर ये तो देखिए प्लेइंग टू द गैलरी जो खेल है ना सर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है पुष्पनाई हो रही है अभी तो ये जो परसों एकदम हुआ है शोएब शाहन साहब इसको बहुत ईजी ले रहे हैं यू टर्न करके ये जो नौ मई से कनेक्टिविटी की वॉर है इसमें ये पार्टी बैन की तरफ जा रही है आप क्यों नहीं ये बात समझ रहे कि वो ऐसा नहीं है कि आए क्या चला गया और डिस्कनेक्ट कर दिया और आपने कहा मैं नहीं था और जैसे नौ मई के अंदर मैं नहीं था ओ भाई ये बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है इसकी पार्टी के ऊपर बैन लग सकता है हिद्दत का बिल्कुल जब आपने एम क्यू पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई या लंदन पर पाबंदी लगाई लगा थी किस वजह से लगाई थी तरीके लब्बैक जो है वो तो एंटी पाकिस्तान नहीं है एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं है आपने उनको भी शेड्यूल टू में रखा हुआ है मैं नदीम साहब मैं तो वो इतला दे रहा हूं जो अंदर खान ने गवर्नमेंट की बातचीत हो रही है चल रही है जिसको कंसल्टेशन हो रही है और बहुत सीरियस हो रही है वो अभी ना माने बाद में माने हमेशा पहले बात करता हूँ बाद में लोग आगे मानते हैं और जो जारियाना तरीकेकार रेफ्ट राइट और सेंटर से हो रहा है

अभी तक हमें बकायदा पहले इलेक्शन कमीशन के फैसले को ऊपर सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा चुकी है जिसकी वजह से आपके बल्ले का निशान गया था चले जो भी है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसके बारे में आज भी जो खत लिखा है आपकी रिव्यू है खतरनाक है वॉर्डर साहब कह रहे हैं कठपुतली हैजमाबारी की बात नहीं सुनी उन्होंने वो आर्टिकल कोई सीआरपीसी वन नाइन पहले दफा लगा

ये मुकदमात बीस पच्चीस मुकदमात गद्दारी के ऑलरेडी हैं जिसमें कन्फर्म हुई हैं, बेल बिफोर अरेस्ट कंफर्म हुई हैं लिहाजा ये बदनीति पे मुकदमे हैं इन टिकॉकरियों को और इन को पता है कि ये जीत के नहीं आए हुए ये फॉर्म फोर्टी सेवन की पैदावार हैं। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवा इस बात के इमरान खान को जाली तरीके से अंदर रखा जाए अदालतें

अब आप कह रहे हैं कि पीटीआई के खिलाफ आज वो बैरिस्टर अकील ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है ये सीरियस मैटर है इसका मतलब है कि कैबिनेट इसके ऊपर वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को ऑथराइज करेगी और एक डिक्लेरेशन भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट को आपको इस साइड पे ये चीजें बट्टी नजर आ रही है कोई दुरुस्त राह तो नहीं होगी वायरल आपसे मैं ओपिनियन चाहता हूं कि इस तरफ जाते हुए मामला नदरा मलिक साहब पहले तो नदिम मलिक साहब सबसे पहले तो आप श्वेब शाइन साहब मेरे भी दोस्त हैं उनसे पूछें कि जो परसों ट्वीट हुआ है 71 की वॉर के ऊपर उसको ये ओन करते हैं इसका जवाब हमारे चेयरमैन गौर साहब कल ऑफिशियली दे चुके हैं तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमारा अकाउंट नहीं है इमरान खान उसे मैनेज नहीं करते बस सिंपल वही हमारा तो तो नहीं कौरे कौरे। था। था। तो आपका ही है जो हमारे चेयरमैन ने ओपिनियन दे दी हम उसी के ऊपर रहेंगे और आज भी आपके ये चार मसाइल हैं अदली आजाद होने की कोशिश करती है उसको इंटरफेयर करते हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा तमाम हाई कोर्ट्स ने लिख के दिया है के हमारे रास्ते में रुकावट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जब हम उनको इनकार करते कर तो रहे जो 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 वो हमारे सामने है। आज इमरान खान का एक इंटरव्यू जो है वो मेहदी हसन ने छापा है अपनी वेबसाइट के ऊपर और उसके अंदर इमरान खान ने कहा है कि जो उनके ऊपर ये पबंदी सलासल रखने के पीछे जो एक शख्स है उसका नाम जनरल कमर जावेद बाजवा ये उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा और उन्होंने कहा पूछा कि कोई रिग्रेट है किसी चीज़ के ऊपर तो उनका एक रिग्रेट है कि मैंने भरोसा किया जनरल बाजवा के ऊपर तो ये सारी साजिश के पीछे उनका एक ही फर्द और किसी को मैं ज़िम्मेदार ठहराता नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि मामला कुछ अभी इधर उधर घूम फिर रहे हैं आप जिस चीज़ की तरफ निशानदेही कर रहे हैं वो बड़ी खौफनाक चीज़ है वो बड़ी एक्सप्लोसिव होगी खतरनाक रोक अख्तियार कर सकती है सियासत उसके बाद देखिए नदीम अली साहब अल्लाह करे कि उससे पहले सबकी दिल और दिमाग में अकल आ जाए क्योंकि पाकिस्तान और तो पाकिस्तानी को नुकसान होगा नंबर एक नंबर दो ये कि शोब शाहीन साहब ने आपके वहां इतराफ़ कर लिया कि ये एक बयानिया बनाने निकले उस बयानिया आपने कौम भी अब इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करी जहां पॉपुलर इमरान खान साहब जहां लोग उनको पॉपुलर लीडर मानते हैं वहां उनके इस बयानी से लोग बहुत तकलीफ में भी आए हैं जो इकत्तर वाला आपने काम किया अब आपने जब उससे रिवर्स होने की कोशिश की तो इट्स टू लेट इसकी अब माफी तलाफी नहीं होगी मैं आपको कह रहा हूं बाकी अलाम यहां करने वाली जहाँ परसेंट दुनियावी तौर पर करूँगा इसकी अब माफी नहीं होगी आप कह रहे हैं जो जो ट्वीट की पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अपने ऑफिशियल हैंडल से या इमरान खान के अकाउंट से इकहत्तर वाला जो कंपेरिजन किया गया तो उसकी अब माफी नहीं है उसकी अब सजाओ नहीं कुल्हाड़ा मारा है नौ मई कुल्हाड़ी थी यह कुल्हाड़ा मार दिया है मैं ये बार बार आपके प्रोग्राम में निशानदेही कर रहा था कि सबने मिलकर ऐसी जगह पर ले जाना है जहां से कोई दुनियावी तौर पर कानूनी तौर पर ना निकल सके वहां पहुंच गई है पार्टी शुैब साहब बेशमार चीज़ें हैं जो टकराव 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 नजर आता है परेशानी बहुत होती है आज अभी जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक ऑर्डर जारी किया जारी किया और वो सही ऑर्डर जारी किया उन्होंने उन्होंने कहा कि जो जिस कंपनी का इक्विपमेंट यूज़ होगा ये फोन रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और पूछा किस कानून के तहत रिकॉर्डिंग होती है का जवाब हमें पता होना चाहिए था लेकिन नहीं पता वो केस सामने आया तो एक साल से इधर उधर पिंग पॉग हो रही है अभी तक जवाब नहीं आ रहा कानून तो इसमें मौजूद है मैंने ये केस <coughs> जस्टिस बनियाल के पास लागू किया था इसमें कानून मौजूद है क़ानून के मुताबिक आप हाई कोर्ट के जज से इजाजत ले के कर सकते हैं और वो भी किसका जो हीनियस अफेंस में टेरिज्म में कोई बंदा मुलिस है और जो इजाज़त के बगैर करेगा उस ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और वो जेल में जाएगा तीन साल या पाँच साल से ज़ाय उसकी तो कानून तो कर नहीं रहा उसके बगैर रिकॉर्डिंग उसके बगैर हो रही है तो एक जुर्म है और जो जुर्म कर रहा है और जो जुर्म का इस्तेमाल करके उसको आगे फैला रहा है ये सारे मुजरम है और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर आज अगर एक जज ने एक नोटिस ले लिया कि यार खुदा के लिए किसी की प्राइवेसी रहने दो हमारा इस्लाम क्या कहता है देखें इवन यहाँ तक सबसे बड़ा जुर्म है जना के मुजरम को भी जब तक चार गवाह नहीं लाएगी अगर दो आते हैं ना तो उनको कजफ का सज़ा होगी बात यह है कि आपके यहाँ प्राइवेसी को अल्लाह ने एक प्रोटेक्शन दी है आप उस प्रोटेक्टेड एरिया में घुस के लोगों के घरों में बैठकों रूम में लगा रहे हैं कैमरे आजम स्वाति के साथ क्या हुआ एक जज साहब के साथ क्या हुआ जिन्होंने ये लिख के दिया है और जिस तरह से अब आज भी वीडियो और आडियो की बात कर रहे हैं वाडा साहब मुझे अफसोस होता है कि ये बातें नहीं करनी चाहिए और अगर कोई ये कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस मुआशरे को कहाँ हम ले जा रहे हैं नाजीन आपने फैसल वाडा और शेब शुफ सुनी शेब ने कहा कि इनको पता है कि अगर सिटिंग जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लगाए गए तो वो चूंकि मेरिट पर फैसला करेंगे इसलिए नून लीग की चोरी पकड़ी जाएगी इसलिए जो लोहर हाई कोर्ट ने जजेस भेजे हैं इलेक्शन कमीशन उनको नोटिफाई नहीं कर रहा और इलेक्शन कमीशन लोहर हाई कोर्ट से कहता है कि आप 20 जजेस भेजें हम उनमें सेलेक्ट करके जजेस लगाएंगे यानी मुजरिम ख़ुद अपने खिलाफ चूज़ करके लगाएगा कि ये जज मेरे केस में लगाया जाए जिस पर लाहौर कोर्ट ने एक और हुक्म जारी किया और कहा कि सिटिंग जजेज़ ही लगाए जाएंगे रिटायर्ड जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नहीं लगाए जा सकते इसके बाद अब शहबाज सरकार बुरी तरह फंस गई है और इनका पास करदा ऑर्डिनेंस भी ठुस हो गया है अब देखना यह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कौन से जजेस लगाए जाते हैं वो जजीज़ जो हकूमत लगाना चाहती है यानी कि अपनी मर्जी से या जो जजीज़ लाहौर हाई कोर्ट भेजेगी नाजरीन आपका इस बारे में क्या कहना है आप अपनी राय से हमें ज़रूर अग करें नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त अल्लाह हाफिज़